अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, ये मैसेज की सूरत में एक वीडियो में बना रहा हूँ। जैसे कि एक बहुत ही ज़बरदस्त मैकेनिक के साथ वाकया हुआ के ऊपर ही ये बैटरी जो लियोन की होती है या लिथियम की थी, वो उनके ऊपर ही ब्लास्ट हो गई। उनके मुंह पे कुछ बाल उनके जल गए थे। वो वीडियो भी क्लिप में आपको लास्ट में ज़रूर बताऊंगा, मगर कुछ उनकी गलतियां थी वो भी शेयर करूंगा और कुछ इनकी इन्फो भी दूंगा, ताकि जो मैकेनिक है या कोई घर पे इनको खोलने की कोशिश करे तो वो ना करें, या कोई मैकेनिक है उनको भी पता हो कि बैटरी किस वजह से ब्लास्ट होती है। और दोस्तों, आपने सुना भी होगा कि कोई मोबाइल ब्लास्ट हो रहा है, उनकी कोई और वजहत लोग बताते हैं, तो उसकी भी वजहत बैटरी होती है। बंद मोबाइल भी ब्लास्ट हो सकता है। अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ इसलिए कि ये एक मोबाइल ऑन था, ये जो बंदा चला रहा था यहाँ पे ऐसे कनेक्शन जुगाड़ करके चला रहा था, मगर जैसे ही इनके कनेक्शन ऐसे हुए तो इनका बोर्ड तो ख़राब हो गया, मगर बैटरी अभी तो सेफ़ है। बैटरी के अंदर जो सर्किट रहता है वो फ़िलहाल के लिए सेफ़ है, मगर इनका जो यहाँ पे कनेक्शन है वो बहुत ही बुरी तरीके से ख़राब हो गया है। तो दोस्तों, अभी भी यहाँ पे जैसे मैं इस ग्राउंड से मिलाऊंगा तभी भी इन पे चार्जिंग हो रही होती है, तो ये डिस्चार्ज नहीं होती। इसमें 3.7 वोल्ट रहता है, मगर हमारा मोबाइल ऑन नहीं होता है। ये इनकी टेक्नोलॉजी है। अभी लिथियम जो हमारी होती है इसमें भी ये टेक्नोलॉजी है, और ये हमारी लियोन होती है इसमें भी ये टेक्नोलॉजी। अब लिथियम क्या है दोस्तों? लिथियम हमारी एलसीडी और भी कई डिवाइस है, यानी डिस्प्ले हो गया हमारा, एलसीडी हो गया, और भी कई डिवाइस में ये जो है लगती है। अब ये जो दो शीशे हैं इनके ऊपर और नीचे, इनके दो दो शीशे के ऊपर नीचे दो लिथियम भी लगे हुए रहते हैं, और बीच में एक रहता है लिक्विड क्रिस्टल एलसीडी के बीच में, जो हमारा अक्स वगैरह जो होता है कवर किया हुआ वो वहाँ पे शो होता है, और हम इन पे लाइट मारते हैं तो हमें देखने को आता है। तो ऐसे ही इसके अंदर भी लिथियम है, एक माइनस और प्लस के बीच में इनकी बनावट कुछ ऐसे है लिथियम की। और ये लिथियम जो है काफ़ी कुछ हद तक सेफ़ है, मगर जब कोई बंदा इनको घर पे खोलेंगे तो इस लोइन से भी बहुत ख़तरनाक है। अब लोइन क्यों इतनी ख़तरनाक है? क्योंकि ये खुद ब खुद भी ब्लास्ट हो जाती है, इसमें इतना ज़्यादा सेफ़ नहीं है। इसमें जो है खुद ब खुद ब्लास्ट होने का बहुत ही कम जो है परसेंट है। तो दोस्तों, वो वीडियो भी आप लास्ट में ज़रूर देखना जो ब्लास्ट वाला था। तो दोस्तों, उस बंदे की पहले मैं आपको बता दूं गलती, कि वो जब एक बंदा था जो मोबाइल को हीट से बैटरी निकाला। अब बैटरी निकालने का यहाँ पे कुछ होता है, इनके नीचे ग्लू थोड़ा सा रहता है और ये निकलने पहली दफ़ा बहुत ही मुश्किल होती है। तो उसने ऐसे करके, या कोई नोक वाली चीज़ नहीं होती है, एक जो ऐसी वाली चीज़ है उनसे हम निकाल सकते हैं ताकि कोई बीच से डैमेज ना हो। अब यहाँ से जैसे ये डैमेज होगा तो इसका करंट और माइनस हमारा प्लस माइनस जुड़ जाएगा, तो लाजमी से ब्लास्ट होगा। तो उसने भी, एक बंदे ने कुछ ऐसा किया था, ऐसे नहीं निकाला था, हीट मार के निकाला तो बैटरी बहुत ही टेम्परेचर हो गई और हमारी जो उसकी बैटरी थी वो ब्लास्ट हो गई थी। जैसे कि दोस्तों, आप जब आईफोन या कोई बड़ा वाला सैमसंग मोबाइल धूप में रखोगे आप एक महीने के लिए, तो वो मोबाइल आपका बंद हो जाएगा, क्योंकि उसमें कुछ ऐसी टेक्नोलॉजी मोबाइल की होती है बैटरी की, उसके अंदर टेम्परेचर हाई लेके वो मोबाइल बंद हो जाता है। आप एक घंटा या आधा घंटा धूप में रख के ये ट्राई ज़रूर कर देना। वैसे ये आईफोन वगैरह इसमें आप कर सकते हो, बाकी और मोबाइल में मैंने ट्राई नहीं किया है। तो दूसरा बंदा था, उसने जो खोलने का ट्रिक लिए किया था, उसने ना ही जो गिलू था वो उतार रहा नहीं, और ना कोई ऐसे सेफ्टी से उतारा, ऐसे ही कोई नोक वाली चीज़ों से उसने ऐसे निकाला था, तो क्या हुआ, वो बैटरी ब्लास्ट हो गई। उनके साथ भी बहुत बड़ा वाकया हुआ, क्योंकि उनका मुंह पूरे इस तरह से इफ़ेक्ट हो गया उनके मुंह पे, और बाल भी कुछ जल गए थे उनके। तो वो वीडियो भी आप एंड में ज़रूर देखना। तो दोस्तों, ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, और ये मैसेज है, आप भी कोई मोबाइल लिथियम की बैटरी हो या लोन की बैटरी हो, उस पर आप बहुत ही अपने सेफ होके अपना काम करें।